हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे में डिस्कस करने जा रहे हैं आपका टॉपिक इनोवेटिव सॉल्यूशन अगेंस्ट अर्बन हीट आइलैंड या फिर हीट वेव्स। तो ये जो टॉपिक है हीट वेव्स, अर्बन हीट आइलैंड्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट ब्रीफ में आज हम इनके बारे में भी देख लेंगे, प्लस जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो अपना रही है वो हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये हमारा वीकली शेड्यूल है जो आप लोग देख सकते हैं। 8 AM to 10 AM आपका डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड है, फिर आपका 10 to 11:30 ये सारे स्लॉट्स में डिवाइडेड है। ऐसे ही आपका करंट अफेयर इशू फॉर PCS आप करते हैं शाम को 6 बजे, और 10 MCQ रिविजन जो है वो आपके 9 PM पे है। तो ये हमारा शेड्यूल है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वाई न्यूज़। तो न्यूज़ में आपका एक आर्टिकल था, उसके अकॉर्डिंग आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस बताए गए थे अर्बन हीट आइलैंड को कैसे डील करें और हीट वेव्स जो हम समर सीजन में देखते हैं। अब ये दोनों टर्म्स क्या है ये हमने डिस्कस किया है, और ब्रीफली अब यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज ने क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन अपनाया है टू बीट द हीट या फिर राइजिंग टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कूलिंग सिंगापुर प्रोजेक्ट है, 2017 में ये स्टार्ट हुआ था। तो इस प्रोजेक्ट के तहत क्या करेंगे, एक कंप्यूटर मॉडल बनाएंगे या फिर कह सकते हैं आप उसको डिजिटल अर्बन क्लाइमेट ट्विन ऑफ सिंगापुर। तो ये एक सिमुलेशन के फॉर्म में आपका जो जो प्रोजेक्ट सिंगापुर में इंप्लीमेंट करेंगे वो पहले आपका इस सॉफ्टवेयर पे, इस सिमुलेटर पे डालेंगे, और उसके इफेक्ट्स देखेंगे कि क्या है, फिर उसको रियल जो है वो लाइफ में या सिंगापुर सिटी में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब इससे क्या है, पॉलिसी मेकर्स को हेल्प मिलेगी करेक्टिव माइक्रो लेवल ऑल्टरनेशन करने के फॉर हीट रेजिलियंस। तो अब क्या है, फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट है वो कितना पॉल्यूशन कर रहा है, उसके पॉल्यूशन से आपकी कितनी हीट जनरेट हो रही है, कोई थर्मल पावर प्लांट है, तो ये सारे पॉलिसी डिसीजंस जो हैं वो पॉलिसी मेकर्स ले पाएंगे, क्योंकि पहले ही वो इस मॉडल को आपका सॉफ्टवेयर में देख चुके होंगे, इस सिमुलेशन में देख चुके होंगे। तो ये आपका है प्रोजेक्ट, तो ये सिंगापुर में आपका रन कर रहा है। अब ऐसे ही नेक्स्ट आपका है विंड गार्डन, जो कि मैड्रिड में है स्पेन में। तो विंड गार्डन में क्या है, जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, तो मॉसेस एंड फर्न्स का ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है, और ये कूल ब्रीज, इसकी हाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो बिल्डिंग है ठीक है जी, यहाँ पे ट्री टॉप्स है, तो इसकी हाइट जो है वो काफी है। तो ये ऐसे ही सिटीज के बीच में बनाया गया है। अब इसका जो टॉप है ये कूल ब्रीज ट्री टॉप्स से एब्जॉर्ब कर लेता है और कूल करके उसको गार्डन्स और स्ट्रीट्स में देता है। तो ये एक जायंट एयर कंडीशनर की तरह आपका यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है इसकी वजह से 4 डिग्री सेल्सियस का फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर से, यानी जो आपकी हीट है वो 4 डिग्री कम हो जाती है। तो ये आपका इसका पर्पस है, और ये जगह जगह आप देख रहे हैं जैसे पूरी पहाड़ी सी बना दी है, इसके ऊपर आपके मॉसेस और फर्न्स हैं जो कि टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं अपर एटमॉस्फेयर से एयर लेके, और आपकी स्ट्रीट्स में ठंडी हवा देते हैं ठीक है जी। तो ये भी एक इनोवेटिव सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपका है, ये तो काफी बेसिक सोल्यूशन है, कि जो कूल रूफ फीचर है वो आपका अपनाना चाहिए, जैसे आपकी जो कोटिंग्स है ब्राइट कोटिंग्स, जैसे इस पिक्चर में आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये जो ब्राइट कोटिंग आपकी छत पे की है इसकी वजह से आपका क्या है, रिफ्लेक्शन हो रही है, सन रेज रिफ्लेक्ट कर रही है, जबकि ये जो नॉर्मल छत है यहाँ पे आपकी एब्जॉर्ब हो रही है हीट। तो बिल्डिंग में जब दिन में धूप पड़ती है तो आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, और जैसे जैसे टाइम आता है या सनसेट होता है तो वो हीट रिलीज करना शुरू कर देती है आपकी बिल्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप ये ब्राइट कलरिंग कर दें तो इसकी वजह से क्या है, आपकी हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है मैक्सिमम, और आपकी एब्जॉर्ब नहीं होती। तो इससे क्या है, रिफ्लेक्ट मोर सनलाइट एंड एब्जॉर्ब लेस हीट, तो ये इसका फीचर है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही डिफरेंसेस दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका है स्पॉन्ज सिटीज। तो अब हमारा हीट आइलैंड बनने के क्या रीजन है हम आगे देखेंगे, बट आपकी जो कॉन्क्रीट है और एस्फॉल्ट है, जो आपके रोड्स है, बिल्डिंग मटीरियल है, कंस्ट्रक्ट हुए हैं बिना किसी लैंड एरिया के, तो इसीलिए कोई ट्री कवर नहीं रह गया, कोई ग्रीन एरिया ज्यादा बड़ा नहीं रह गया है, इसीलिए आपका ज्यादा क्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो उसी को कम करने के लिए यहाँ पे स्पॉन्ज सिटीज बनाएगी, जहाँ पे जो हार्ड सर्फेसिस है, यानी आप देखें नॉर्मल सिटीज में यहाँ पे क्या होगा, लैंड होगा, बिल्डिंग्स होगी, रोड्स होगा, बट यहाँ पे क्या है, आपकी चाइना ने ये स्पॉन्ज सिटी बनाई है जहाँ पे ग्रीनरी है, वाटर है ठीक है। तो ये बेल्ट्स बनाई गई है,
तो जैसे कि आपके रोड है, पेवमेंट्स हैं, इनको आपका परमेबल सरफेसेस में कन्वर्ट कर दिया है, जो एब्जॉर्ब कर सकता है और सीप कर सकता है, प्योरीफाई कर सकता है वाटर को, और इसी के साथ साथ सराउंडिंग का टेम्परेचर भी है वो लो कर देता है। तो यहाँ पे हमारा ये मॉडल है, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, ये क्राउडेड सिटीज है, क्राउडेड सिटीज के बीच में यहाँ पे स्पॉन्ज सिटीज बनाई गई है, साथ साथ में ही रोड है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, ये कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं जो आपको देखने को मिले हैं इस आर्टिकल में। तो नेक्स्ट आपके टर्म्स यूज हुई है जो है हीट वेव्स और अर्बन हीट आइलैंड्स, तो वो हम देखते हैं। हीट वेव क्या है, एक रीजन इज कंसिडर्ड टू बी अंडर द ग्रिप ऑफ हीट वेव, कब, ये इसकी डेफिनेशन है, अगर आपका मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है या उससे ज्यादा हो गया है प्लेन्स में, और 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो गया है हिली एरियाज में। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन के क्राइटेरिया को आपका दो हिस्सों में बांटा गया है, प्लेन्स और हिली रीजन्स। तो ये हमारा 40 डिग्री और 30 डिग्री या उससे ज्यादा का क्राइटेरिया है। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, जब आपका मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर जो है वो आपका कहाँ से कहाँ तक 4.5 से 6 डिग्री हो जाता है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर का क्या मतलब है कि आपका नॉर्मली जो है एक जगह पे टेम्परेचर जो है मान लो आपका 35 डिग्री सेल्सियस रहता है ऑन एन एवरेज, तो इस सीजन में अगर पिछले साल या पिछले कुछ सालों में 35 डिग्री था एवरेज, बट इस साल आपका क्या है 35 डिग्री से 4.5 से 6 के बीच में वेरी कर रहा है, मतलब इस साल आपका वहां पे 40 डिग्री के आसपास हो गया है। तो ये आपका होता है मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर, और फिर डिक्लेयर हो जाती है आपकी हीट वेव, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरियाज फुलफिल होना बहुत जरूरी है। अब सिवियर हीट वेव कब होती है, जब आपके नॉर्मल से टेम्परेचर 6.4 डिग्री ऊपर हो जाता है। तो नॉर्मल क्या है टेम्परेचर, ये हम देख चुके हैं कि जो आपका एवरेज टेम्परेचर ओवर द ईयर्स चल रहा होता है। अब क्या है, अगर आपका 45 डिग्री से 47 डिग्री जो है उतना टेम्परेचर आपको देखना है, तो IMD जो है आपका डिक्लेयर करता है हीट वेव और सेवियर हीट वेव कंडीशंस। तो ये हम देख चुके हैं, तो इसी हीट वेव की बात हो रही थी पीछे, जिसके लिए वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले गए हैं। अब इन हीट वेव की क्या रीजंस है, एक तो आपका मैग्नीफाइड इफेक्ट ऑफ पेव्ड एंड कॉन्क्रीट सर्फेसिस और लैक ऑफ ट्री कवर, तो इसी की वजह से आपका क्या है टेम्परेचर राइज होता है, और हमने इसी दोनों के सॉल्यूशंस पीछे देखे हैं, जहाँ आपने चाइना की स्पॉन सिटी में देखा है कि पेवमेंट्स लैंड एरिया कम कर दिया, आपका कंक्रीट एरिया कम कर दिया है और ट्री कवर जो है वो बढ़ा दिया है, ठीक है। तो वो ये सी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की बात हो रही है। दूसरा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, तो अर्बन हीट आइलैंड क्या है ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इस इफेक्ट की वजह से आपका टेम्परेचर जो है वो 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है, जो आपका अर्बन एरिया है और उसके सराउंडिंग रूरल एरिया के कंपैरिजन में, ठीक है। सराउंडिंग रूरल एरिया में अगर आपका 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो अर्बन हीट आइलैंड जो है उसके कोर में आपका कम से कम 35 से 40 डिग्री के बीच में टेम्परेचर होगा, तो 4-5 डिग्री की वेरिएशन आपको नजर आएगी। दूसरा आपका है ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से भी, ग्लोबल टेम्परेचर जैसे आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो 0.8 डिग्रीज जो है वो पास्ट 100 ईयर्स में टेम्परेचर बढ़ चुका है, और आपका डेली पीक टेम्परेचर जो है वो भी आपका हाई हो गया है और लॉन्गर पीरियड के लिए हो गया है। तो ये आपके कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें इंटेंस हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। अब दूसरा जो हमने टर्म की बात की थी वो है आपका अर्बन हीट आइलैंड। तो अर्बन हीट आइलैंड क्या है, वो एक आइलैंड है जैसे कि आप देख ही रहे हैं डेफिनेशन में, जहाँ पे टेम्परेचर जो है एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में वो 2 डिग्री हायर होता है देन सब अर्बन और रूरल एरियाज, तो उसके सराउंडिंग एरियाज से आपका 2 से या 2 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस हाइयर टेम्परेचर होता है। तो ये आपका क्या है, हीट आइलैंड जो है वो पूरे साल आपको देखने को मिलते हैं, दिन और रात के फर्क में भी आपको देखने को मिलते हैं, और ये अर्बन रूरल टेम्परेचर डिफरेंस है ये सबसे ज्यादा आपका काम और क्लियर इवनिंग्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अब इसीलिए क्योंकि रूरल एरियाज जो हैं आपके वो नाइट में उनकी जल्दी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि लैंड है वो हीट छोड़ता है। अब आपके जो कंक्रीट है, बिल्डिंग्स है, रोड्स हैं, वो आपने नोटिस भी किया होगा, वो धीरे धीरे हीट छोड़ते हैं, तो इसीलिए आपकी क्या है नाइट में आपका रूरल एरियाज जल्दी ठंडे हो जाते हैं, उनका एनवायरमेंट जल्दी ठंडा हो जाता है,
जबकि आपकी जो सिटीज है उनका धीरे धीरे कूलिंग आती है क्योंकि आपके धीरे धीरे हीट छोड़ते हैं रोड्स, बिल्डिंग्स और अदर स्ट्रक्चर्स। अब लार्जेस्ट अर्बन रूरल टेम्परेचर डिफरेंस जो है, या फिर मैक्सिमम हम हीट आइलैंड इफेक्ट जिसको बोलेंगे, वो आपका 3 से 5 घंटे बाद देखने को मिलता है सनसेट के। अब आप देखेंगे आपकी जो कोर सिटीज है जहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है और बहुत कम ग्रीन स्पेसेस हैं, वहाँ पे आपको गर्मी दिन के 12-1 बजे इतनी फील नहीं होगी जितनी आपको शाम को सनसेट के बाद फील होगी। क्योंकि फिर आपका क्या होता है, आपकी जितना भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है उसने जो हीट पूरे दिन में एब्जॉर्ब की होती है, स्टोर की होती है, वो धीरे धीरे उस हीट को छोड़ने लगता है। तो इसीलिए आपको घुटन सी, आपको सफोकेशन सी महसूस होती है शाम को सनसेट के बाद वाले टाइम में। ठीक है जी, तो ये हमारा है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपको टेम्परेचर दिया गया है और सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ आपको देख रहे हैं आप कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स है, स्काई स्क्रैपर्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, पेवमेंट्स है, एज कम्पेयर टू यहाँ। तो ये आपका सराउंडिंग का रूरल एरिया है, तो जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं पेरीफेरी में आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे रूरल एरिया का आप टेम्परेचर देखो जहाँ पे आपके ग्रीन स्पेसेस, ट्रीज ज्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कितना फर्क है, और डिस्टेंस इनका कुछ ज्यादा नहीं होगा। ठीक है जी, तो यही आपका है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, कि ये जो आपका है ये हीट आइलैंड की तरह आपको देखने को मिल रहा है। अब फैक्टर्स क्या है, जैसे कि हमने पढ़ते ही आ रहे हैं आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो हमारे रोड्स बने हैं, ठीक है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हुआ है, स्काई स्क्रैपर्स बने हैं, बिल्डिंग्स बने हैं, शीशों का यूज हुआ है जो आपके हीट ट्रैप करते हैं, लैक ऑफ इवेपो ट्रांसपिरेशन। क्यों? क्योंकि आपका क्या है, ग्रीन कवर बहुत कम है, क्लोज कंस्ट्रक्शन। अब आपकी सारी बिल्डिंग्स जो हैं, रोड जो हैं, वो क्लोजली कंस्ट्रक्टेड है, तो इसीलिए वो इफेक्ट डबल हो जाता है। वेस्ट हीट, वेस्ट हीट आपका कहाँ से आता है, आपके एयर कंडीशनर्स में आता है। एयर कंडीशनर्स आपकी बिल्डिंग का, रूम का अंदर का टेम्परेचर, माइक्रो क्लाइमेट जो है वो ठंडा कर रहा है, बट वो हीट बाहर छोड़ रहा है एनवायरनमेंट में, उससे बाहर टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसे वेस्ट हीट कहते हैं। ऐसे ही आपकी स्काई स्क्रैपर, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उतनी ज्यादा उनमें हीट ट्रैप हो रही है। तो ये आपके फैक्टर्स हैं। अब इम्पैक्ट क्या है, आपकी एनर्जी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, आपकी ज्यादा बिजली यूज होती है, आपके पंखे, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, ये सब ज्यादा चलते हैं, इसलिए एनर्जी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है। प्लस आपका पोल्यूशन हो रहा है, एयर क्वालिटी खराब हो रही है, वाटर क्वालिटी खराब हो रही है, आपकी जो हीट लविंग स्पीशीज है जिनको गर्मी पसंद है, जैसे आपके जो है छिपकलियां वगैरह, तो ये आपको ज्यादा देखने को मिलती है, और हीट वेव्स तो क्लियरली हमने देख ही लिया है। तो ये हमारा अर्बन हीट आइलैंड है। अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस में जो भी गिवन है वो हमने यहाँ भी देखा है, क्लियर है, और स्टार्टिंग में जो हमने जिस नोट पे ये आर्टिकल शुरू किया था वहीं पे आपका क्या है, इनोवेटिव सॉल्यूशन दिए हैं जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किए हैं कंट्रीज ने। तो यहाँ पे भी ग्रीन रूफ दिया गया है, ग्रीन रूफ मतलब आप अपने बिल्डिंग्स की छतों पे जो है वो प्लांट्स उगाएं, उससे टेम्परेचर कम होगा, या फिर लाइट कलर कंक्रीट बनाएं, जैसे सड़कें हैं सड़कों का कलर लाइट हो, जैसे हमने वहां पे रूफ टॉप जो है वो लाइट कलर से, ब्राइट कलर से पेंट कर दिया था, तो ये ग्रेइश या पिंकिश हो, जैसे यूएस में कई जगह पे किया भी गया है, तो इससे क्या है 50% बेटर हमें रिफ्लेक्शन मिलेगी, क्योंकि ब्लैक कलर है, डार्क कलर है, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, तो लाइट कलर देंगे तो सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो ऐसे ही आपका जो रूफ टॉप है वो ग्रीन होनी चाहिए, वहां पे सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसी सब की ओर सरकार जो है हमारी कदम उठा भी रही है। ठीक है, सोलर पैनल्स काफी इंस्टॉल किए गए हैं रूफ टॉप पे, सरकारी बिल्डिंग्स पे। अब नेक्स्ट है प्लांटिंग ट्रीज, तो प्लांटिंग ट्रीज तो हमेशा ही आपका टेम्परेचर कम करेंगे, तो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए भी हमें ये यूज करना है, प्लस जो आपके पॉल्यूटेंट गैसेस हैं उनको भी एब्जॉर्ब करने में आपके ट्रीज जो है वो काम आते हैं, प्लस आपकी सिटीज और स्ट्रीट्स जो हैं इनकी टेम्परेचर को ये लोअर डाउन करते हैं। तो इसीलिए हमने देखा है कि आपकी पार्क्स बने होते हैं, आपकी बेल्ट्स बनी होती है, ग्रीन बेल्ट्स बनी होती है हाईवेज पे, तो उसका पर्पस यही है कि पॉल्यूशन को भी एब्जॉर्ब करेंगे, प्लस आपका टेम्परेचर भी जो उसकी वजह से राइज हो रहा है वो भी आपका कम होगा। तो यहाँ पे आपका एक पूरा ये आंसर है, क्योंकि आपका जो है ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, अर्बन हीट आइलैंड का टॉपिक, तो इसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप मेंस में अगर आंसर राइटिंग में आप ये यूज करेंगे तो आपको जरूर एज मिलेगी।
तो यहाँ पे हमारी कुछ कोर्सेज हैं, तो आप अवेल कर सकते हैं। ये कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं, कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।